हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं एक नई स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हर किसी का मन करता है कि हम कुछ ठंडा खाएं। आज मैं कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसको मैंने कई फ्लेवर में बनाया है। ये देखने और खाने दोनों में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से बनी हुई आइसक्रीम हेल्दी के साथ साथ टेस्टी बनती है। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। तो मैं आज कस्टर्ड आइसक्रीम बनाती हूँ और इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg दूध लिया है और 1 कप चीनी ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, कुछ पिस्ता है और कुछ बादाम है। इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें दूध लेती हूँ। वैसे मेरा दूध बॉयल है लेकिन मैं इसको एक बार और बॉयल करूंगी और थोड़ा सा दूध हम इसमें से बचा लेंगे जिससे हम कस्टर्ड को घोलेंगे। इसमें हम चलाते हुए दूध को गर्म करेंगे और दूध को अच्छे से चलाते हुए करेंगे और तले तक चलाते हुए करेंगे। दूध लगना नहीं चाहिए। हमारा दूध बॉईल होने लगा है, देखिए। अब हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे। हमें दूध को चलाते हुए ही पकाना है और इस तरीके से मलाई जो साइड से आएगी हम इसी में मिलाते जाएंगे, साइड से नहीं जमने देंगे। और इसी तरीके से चलाते हुए, नीचे तली से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। यदि हमारा दूध नीचे तले में लग गया तो खराब हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा आइसक्रीम का। तो इसलिए हम इसे चलाते हुए ध्यान से इसी तरीके से गाढ़ा करेंगे। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाती हूँ। ये जो हमने दूध निकाला था उसमें हम इस कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे और इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। धीरे धीरे ही दूध डालेंगे। हमने इसे अच्छे से घोल लिया है। अब चीनी मिला देती हूँ इसमें और इसे 2-3 मिनट चलाती हूँ जिससे चीनी मेल्ट हो जाए। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये कस्टर्ड पाउडर जो मैंने अभी घोला है इसको मिला लेती हूँ और इसको धीरे धीरे मिलाएंगे और चलाती जाएंगे। पाउडर को हम 4-5 मिनट पकाएंगे जिससे दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। और देखिए गाढ़ा होने लगा है डालने के बाद। इसे अभी और पकाएंगे थोड़ी देर। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें पिस्ता और बादामों को मिला लेती हूँ। थोड़े से गार्निश के लिए रख लेती हूँ। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसको फिर जमाएंगे। गाढ़ा हो गया है और काफी गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं इसमें ये वेनिला एसेंस है, देखिए ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और मैं इसको 1/2 चम्मच इसमें मिलाती हूँ। मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ और मैं 4 फ्लेवर में बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ अच्छे से मिला करके, और 4 इस तरीके से बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने इनको 4 भागों में बांट लिया है और 4 बाउलों में निकाल लिया है। अब मैं इनकी अलग अलग फ्लेवर में आइसक्रीम बनाती हूँ। सबसे पहले मैं केसर पिस्ता कुल्फी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कि कुछ केसर्स के लीव लिए जिनको मैंने ये दूध में घोल लिया है जिससे ये कलर छोड़ दे, और थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर। देखिए ये ऑरेंज कलर है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और इसको भी हम घोल देंगे जिससे और अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। कुछ पिस्ता के पीसेस लिए, इसमें स्पेशल डालेंगे अलग से, और मैं इसमें मिलाऊंगी, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इस तरीके से बनी हुई कुल्फी बहुत अच्छी लगती है, काफी यम्मी लगती है। हम थोड़ी सी 1/4 चम्मच इलायची डाल देते हैं। इलायची को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इसको एक साइड से रख देती हूँ और दूसरा फ्लेवर तैयार करती हूँ।
इसको हम रोज फ्लेवर में बनाएंगे। और इसके लिए मैंने पहले सबसे पहले इलायची डाल देती हूँ। इलायची को मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गर्म में डालने से इसकी खुशबू जो उड़ जाती है, ठंडे में ही डालनी चाहिए इलायची, जिससे इसका फ्लेवर बरकरार बना रहता है। और ये गुलाब जल है, आधा चम्मच मैंने गुलाब जल लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वैसे मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, आप ब्रजवासी व्यंजन में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो मैं इसमें गुलाब जल मिला देती हूँ और इसमें थोड़ा सा ये रोज कलर है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है और बन करके काफी यमी लगती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। तैयार हो गया, इसको भी हम साइड से रख देते हैं और दूसरा फ्लेवर और बनाते हैं। अब हम एक और फ्लेवर में बनाते हैं। ये हमने कुछ इलायची ली है, इलायची का पाउडर है और ये कोको पाउडर है, इसको हम एक चम्मच इसमें यूज करेंगे। इसमें कोको पाउडर मिलाएंगे, इसका फ्लेवर बच्चों को बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसमें इलायची भी मिला देती हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको भी हमने तैयार कर लिया है, इसको भी एक साइड से रख देते हैं। और अब एक और फ्लेवर में बनाते हैं, इलायची डालते हैं सबसे पहले। और इलायची आप चाहो तो साथ में भी डाल सकते हैं, उस समय जब हमने वेनिला एसेंस डाला था, और वैसे ठंडा होने के बाद डालें तो ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैं फूड कलर लूंगी, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ये इस तरीके का होता है और मैंने इसको थोड़े से दूध में घोल लिया है, इससे अलग कलर का फ्लेवर आ जाता है और बच्चों को बड़ों को बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की आइसक्रीम है, कलरफुल। इसमें और थोड़े से बादाम डाल देते हैं स्पेशल अलग से, उसमें हमने पिस्ता डाले थे, इसमें हमने बादाम डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा ये फ्लेवर भी तैयार हो गया है, हमारे चारों फ्लेवर बन करके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको जमाती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये जमाने का है, मोल्ट है, ये सांचा है, आप इस तरीके से मैं जमा सकते हैं। आप चाहो तो कांच की ग्लास में भी जमा सकते हैं, इस तरीके से कांच का कोई भी ग्लास ले सकते हैं, या आप चाहो तो डिस्पोजल इस तरीके का प्लास्टिक का ग्लास भी ले सकते हैं, या आप किसी स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उसी में जमा सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें जमाती हूँ लेकर के, इस तरीके से मैं दो दो कलर की बनाऊंगी। अब मैं इस कलर का भी इसमें लगा देती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं कलरफुल, और भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं। इस तरीके से ये कलर का भी लगा देती हूँ इसमें। ग्लास में, कांच के ग्लास में भी भर के दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से एक में इस तरीके के प्लास्टिक के ग्लास में भरती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छी जमती है और फटाफट से निकल जाती है। मैंने इसको अच्छे से टेप कर दिया है, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ इस तरीके से। कोई भी आप वॉल पेपर ले सकते हैं या प्लास्टिक ले सकते हैं और उससे इसको कवर कर दीजिए, जिससे ये फ्रिज में रखने के बाद में क्रिस्टलाइज ना हो। इस तरीके से इनको भी कवर कर देती हूँ इस तरीके से, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इनको भी कवर कर देती हूँ इस तरीके से, आप चाहो तो रबर बैंड भी लगा सकती हैं। मैं हम मैं स्टिक्स लगा देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा छेद करके और इस तरीके से स्टिक्स लगा देंगे, इसी तरीके से सब में लगा देंगे और बाद में भी लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे में भी लगा देते हैं, हमने सभी में स्टिक्स लगा दिए। और अब हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं करीब 6-7 घंटे के लिए जमने के लिए, आप रात भर के लिए भी रख सकते हैं ओवरनाइट, तो जब जम जाएगी उसके बाद हम इसको दिखाएंगे।
गए, अब हम आइसक्रीमों को देख लेते हैं। हमारी आइसक्रीम भी जम गई है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें पानी लिया है। मैं इस तरीके से इसको थोड़ा पानी में इस तरीके से घुमा लूंगी जिससे ये सरफेस को छोड़ देगा। इस तरीके से घुमा करके थोड़ा सा, वाह क्या सुंदर बनी है, आप देख सकते हैं। वाह देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसी तरीके से हम इनको भी निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है, हमने सभी अलग अलग फ्लेवर्स में बनाई है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। इनको भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। वाह आप इस तरीके से जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। मैं इसी तरीके से इनको भी निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसी तरीके से सारी आइसक्रीम को निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।